कांग्रेस का बूथ चलो अभियान के तहत कल बिलासपुर जिला के मस्तूर विकासखंड के ग्राम गुराडी में कांग्रेसी नेता व लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद जैसी पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों की कई समस्याओं का तत्काल समाधान कर दिए। इस बात ग्रामीण उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब उनकी चर्चा पूरे लोहरसी क्षेत्र में हो रही है। गुराडी के ग्रामीणों ने प्रवेश द्वार से लेकर ग्राम की मुख्य बस्ती तक कई जगह पटाखे बिछाकर आतिशबाजी की, उनका स्वागत किए। घर घर की महिलाओं ने जयसी का श्रीफल और आतिश स्वागत किए। वहीं प्रबुद्ध जनों द्वारा भी फूलमाला नारियल स्वागत किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मस्तूर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर थी। वर्तमान में यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही। मतदाताओं की इसी खाई को पाटने के लिए कांग्रेस पार्टी अब नया चेहरा मस्तूरी विधानसभा में उतारने की तैयारी में है। यही कारण है कि अब सभी पार्टी के नेता मतदाताओं को रिझाने गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेमचंद जैसी के दौरे को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्र के ग्राम घोड़ाडी, भुड़कुड़ा, टांगर, बोहाडी, केवटाडी ऐसे कई गांव हैं जो गोरे नेताओं के वादा खिलाफी से उठ चुकी है। इसलिए अब नए चेहरा दौरे पर लगे हुए हैं। लगातार तीन विधानसभा चुनाव में दल विशेष का ही चेहरे को देख देख कर उब चुके मतदाता इस बार नया चेहरा और नया प्रत्याशी ढूंढ रही है। जगह जगह मस्तूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के अच्छे परफॉर्मेंस की चर्चा है और अब नया चेहरा के लिए मन बना चुका जनता नए व्यक्ति की तलाश में है। क्षेत्र में प्रेमचंद जैसी की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। गांव गली में चर्चा और ग्रामीणों का मेरा सम्मान को गौर किया जाए तो इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मस्तूर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी भी काफी लोकप्रिय और मजबूत स्थिति में जाती दिख रही है। हालांकि जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का आना जाना बेहद ही कम है। डॉक्टर जायसी ने भूपेश सरकार की योजना, कांग्रेस का इतिहास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और मानव समाज के द्वारा किए गए कार्य को उल्लेख किया। उपस्थित समुदाय तालियां बजाए और उनकी बातों को आत्मसात करते दिखे। संवाददाता संतानु कुरे मस्तूरी ब्लॉक, आपको बताना चाहता हूँ एक नया चेहरा जो है आज हमारे बीच में प्रेमचंद जैसी है, जो इस गुराडी ग्राम पंचायत गुराडी में जो महिलाओं की समस्या सुनकर उसे तुरंत तत्काल निर्देश देकर आगे की कार्रवाई करने के लिए तुरंत कई लोगों को पेंशन नहीं मिले उसके लिए भी इन्होंने आज आवेदन देकर कहा कि इन लोगों को तत्काल पेंशन दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ से वंचित रह गए हैं, जिसे आज हमने रूबरू कराया है डॉक्टर प्रेमचंद जैसी से, ताकि वो इस गाँव के जनसंपर्क के लिए आए, ताकि हम लोगों से मिल सके और हर को अपनी समस्या को बता सके। तो हम उससे दो मिनट पूछना चाहते हैं कि सर आपने जनसंपर्क के दौरे में कार्यक्रम में आपका मेन उद्देश्य क्या है? आइए हम सीधा उससे ले चलते हैं। आप बताओ सर, आप मन के मेन उद्देश्य कार्य से? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बूथ चलो बूथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत हम लोगों का आगमन हुआ ग्राम घोड़ाडी में। यहाँ आने के बाद लोगों से जनसंपर्क के दौरान बहुत सारे हमारे महिलाएं माताएं हमसे मिली और उनको जो अभाव है, जो उनको परेशानी है, उसके बारे में हम लोगों से विचार व्यक्त किए। उनके समस्या को सुन करके तत्काल मैंने निराकरण के निर्देश भी दिया और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन जिस तरह से कार्य कर रही है उस तरह से हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को बूथ जोड़ने के लिए, बूथ तक पहुँचने के लिए एक अच्छी बूथ की टीम गठित करने के लिए निर्देश भी दिए। सभी से मिले, हम मिलकर अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद। सच में आज इस विचारधारा को रखते हुए गांव के पूरा महिलाएं और कई बुजुर्ग लोग हैं जो जाकर अपने विचारधारा बताए हैं ताकि उसका निवारण हो सके।